नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। बुलंदशहर में बढ़ते वायु प्रदूषण से खतरनाक स्तर पर पहुंची हवा, जिसको लेकर भाकियू महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष ने की अपील। आपको बता दें कि खुर्जा नगर में आसमान में छाई धुंध और बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। प्रदूषण और धुंध की वजह से स्थानीय लोगों के साथ बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। आसमान में धुंध छाने से बुलंदशहर गैस चैंबर में तब्दील हो रहा है। वहीं प्रदूषण को देखकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने एक वीडियो जारी कर खुर्जा क्षेत्र के किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। उन्होंने आम जनता से भी किसी भी तरह का कूड़ा करकट और पराली नहीं जलाने और सावधानी बरतने की अपील की है। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है और लोगों को इसे बढ़ने से रोकने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। भारतीय किसानों महाशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, मैं अपने सम्मानित खुर्जा क्षेत्र के सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, प्लीज मेहरबानी करके पराली न जलाएं और जो पराली का फेस है उसे अपने खेत के कोने में इकट्ठा कर लें, वो पानी से गल कर खाद बन जाएगा और जो पराली फालतू तुम्हारे पास है उसको कृपया मेरे पास फोन करें, मैं कैंपे ट्रॉली भेजूंगा उसको भरवा कर गौशाला पहुँचवा दूंगा या आप स्वयं गौशालाओं में दान करें जिससे कि हमारे गोवंश है चारे के रूप में वो उसे खा सके। लेकिन अब से मत जलाना, मत पराली जलाना, मत चीख की बधाई जलाना, क्योंकि इतना खतरनाक प्रदूषण हो चुका है। आंखों की बीमारी, सांस की बीमारी, समझ लो अनेक बीमारी बन रही है, नजला होना, इन्फेक्शन होना। कोई भी खुर्जा क्षेत्र का किसान पराली ना जलाए, मेहरबानी करें।